as usual, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'm gonna show you that how I wash my beauty blender and sponges or क्या कहते हैं ना पफ कैसे वॉश करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर कैसे वॉश करती हूँ, अपने स्पॉन्जेस कैसे वॉश करती हूँ. सो देयर आर सम टिप्स जो कि आप ट्राई कर सकते हो और अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड अपना मेकअप का टूल्स इस तरीके से साफ भी कर सकते हो, विच इज़ वेरी इजी. बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है इस वाली वीडियो में, दिस इज़ अ वेरी इजी. सो आई हैव सम ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड स्पंजेस, ये तो क्लियर है जो मैंने यूज़ नहीं किया. सो देयर आर लाइक स्पंजेस, ब्यूटी ब्लेंडर, पफ. सो देयर आर फ्यू आइटम्स जो कि बहुत गंदे हो रखे हैं, तो आई थॉट व्हाई नॉट आई शो यू दैट हाउ आई क्लीन देम बाय माई सेल्फ. सो या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि हमें क्या क्या चाहिए. सो ऑब्वियसली बात है, हमें पानी चाहिए, इसमें से वाटर, एंड हमें चाहिए शावर जेल और बॉडी वॉश, वट एवर यू लाइक, और यू कैन यूज फेस वॉश ऑल्सो. बट आई गेस फेस वॉश थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स को, अपने इन चीज़ों को साफ करने के लिए, तो आई प्रेफर यू नो बॉडी वॉश और शावर जेल. सो नेक्स्ट थिंग वॉट वी नीड इज मिसलर वाटर और मेकअप रिमूवर, मतलब आपको जो लगता हो कि हाँ आई कैन यूज इट, सो दैट्स. एंड देन यू नीड अ ड्राई क्लोथ, दैट्स इट. आई गेस दीज आर थिंग्स जो हमें चाहिए ही चाहिए इन सब चीज़ों में. सो वी नीड अ बाउल जो कि अभी खाली बाउल है, एंड इसके अंदर हम पानी डालेंगे. सो इसके अंदर पानी है तो डाल लेते हैं इसमें पहले. खैर ये ना मिनरल वाटर है तो मैं इसे पी लेती हूँ पहले. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो मेनी पीपल आर आउट देयर जो कि कहते हैं कि आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स और स्पॉन्जेस को गर्म पानी में भी वॉश कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई एम लेजी. सो आई एम जस्ट शोइंग यू दैट जो मैं करती हूँ. ओके, जो मैं करती हूँ मैं वही सब दिखा सकती हूँ. सो लेट मी जस्ट टेक आउट ऑल दीज. सो इसमें मैंने पानी डाल लिया है ऑलरेडी, तो इसके अंदर मैं एक एक करके ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ ब्यूटी ब्लेंडर, स्पॉन्ज यूज एंड थ्रो वाला. बट मेरे को लगता है कि मैं 3 से 4 बार से यूज़ कर मुझे लगता है कि मैं इसे 3 से 4 बार यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए आई एम गोना वॉश इट क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है. एंड आई गेस दैट्स इट. सो नाउ लेट्स जस्ट सोक देम अच्छे से. ओके गाइस, सो जैसा कि आप साइड में देख सकते हो ये कितने डर्टी हो रखे हैं, मैं सारे के एक एक करके आप दिखाऊंगी अपना. जो मैंने आपको बताया कि जो यूज एंड थ्रो वाला है वो इस तरीके का दिख रहा है, एंड जो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं वो भी काफ़ी गंदे हो रखे हैं, राइट. एंड जो हमारे स्पॉन्जेस हैं वो भी काफ़ी गंदे हो रखे हैं. पफ्स आर ऑल्सो बैड. सो वॉट वी हैव टू डू नेक्स्ट, सो अपने बाउल में जैसे हमने पानी डाला है, सो लेट जस्ट सोक देम फॉर लाइक थोड़ी देर के लिए, लाइक 15 मिनट्स. ठीक है, 15 मिनट में ये पूरा का पूरा वाटर अपने अंदर सोख लेंगे. ठीक है, तो हम जस्ट 15 मिनट्स का वेट करते हैं, एंड आफ्टर दैट विल डू आर नेक्स्ट स्टेप. मिलती हूँ मैं आपको 15 मिनट के बाद, एंड देन विल डू आर नेक्स्ट स्टेप. इट्स बीन 15 मिनट्स और हमारा ये पानी पूरा सोख लिया है इसने बहुत अच्छे से. अभी मैं इसको हटा के आती हूँ, पानी चेंज करना है हमें अभी, तो मैं इसमें दोबारा से पानी ड्रॉपलेट लेके आती हूँ. ओके, सो या आप यहाँ पे देख सकते हो मैं न्यू पानी लेकर आई हूँ, मैंने वो पानी फैला दिया है अच्छे से. ठीक है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है वो पानी. एंड नाउ विल ऐड दिस मिसलर वाटर इन इट. अच्छे से आपको मिसलर वाटर ऐड करना है, आप कोई भी मिसलर वाटर यूज़ कर सकते हो. सो आई गेस दैट्स ठीक है, इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर लाइक यू नो, ताकि हमारा मेकअप जो है वो अच्छे से रिमूव निकल जाए इसमें से. एंड देन हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इसको बस हल्के से स्क्वीज करेंगे, हल्के हल्के से, नॉट टू मच. आपको साइड में दिख रहा होगा मैं किस तरीके से स्क्वीज कर रही हूँ इनको, बहुत आराम से करना है, बहुत प्यार से, जस्ट फॉर 2-3 times. एक दो दो बार कर देना सबको, दैट्स ऑल. फिर इसको रखना है हमें 15 मिनट्स तक, उसके बाद विल ऐड आर दिस शावर जेल और बॉडी वॉश जो भी आपके पास है, या फिर फेस वॉश, वट एवर यू हैव, आपको उसको रखना है. एंड दिस इज़ आर नेक्स्ट स्टेप. सो
मैं इस पे बाद में आती हूँ. तो अभी 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं एंड उसके बाद विल डू आर नेक्स्ट स्टेप. ताकि अब 15 मिनट हो चुके हैं और हम इस वाटर को फेंक देंगे एंड न्यू वाटर ले आएंगे. जैसा कि मैंने न्यू वाटर ले लिया है और वो पुराना वाला वाटर फेंक दिया है जिसमें हमने मिसला वाटर मिलाया था. एंड नाउ विल ऐड आर शावर जेल एंड आपको उसमें पोर करना है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आई विल ऐड लाइक 2 or 3, 2.5 spoon or 3 spoon, दैट्स इट. मैं ऐसा नाप के नहीं डाल रही हूँ बट आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि आप इतना डाल सकते हो, पर मैं ऐसी अंदाजे से डाल देती हूँ. ओके सो या आपको 2-3 spoons डालने हैं इसके अंदर. तो अभी हम इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे. आप चाहो तो आप रात को अगर कर रहे हो तो यू कैन जस्ट, अगर आप 12 बजे इनको डाल रहे हो एंड ओवर नाइट भी छोड़ सकते हो. अच्छे से और साफ हो जाते हैं. मुझे लगता है कि आप थोड़ा टाइम दोगे तो इन्हें लाइक 5 to 6 hours या आराम से अपना जो भी है प्रोडक्ट वो पानी में छोड़ देंगे तो दे विल लुक मोर गोल्ड, राइट. तो मैं अभी तो इन्हें लाइक 2 hours के लिए छोड़ रही हूँ. आप चाहो तो पूरी रात भी छोड़ सकते हो, 5 hours भी छोड़ सकते हो एंड 6 hours भी छोड़ सकते हो. बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप 5 या 6 hours से ज़्यादा छोड़ो इन्हें लाइक पानी में. दैट्स इनफ साफ करने के लिए अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स को. सो या अब इसको हम छोड़ देते हैं लाइक 2 hours or 3 hours, मे बी जितने भी आवर्स होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा नीचे. ओके गाइस, सो अभी हो चुका है हमारा टाइम इनको निकालने का एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग. लुक एट दीज, कितने ज़्यादा क्लीन लग रहे हैं और हमने ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं की हैं और बहुत ज़्यादा ताम झाम भी नहीं किया है. सो दिस इज हाउ आई क्लीन माई ब्यूटी ब्लेंडर्स, माई स्पॉन्जेस एंड माई पफ्स. जो भी है मेरे पास मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड अगर कोई और तरीका है आपके पास, अगर आप चाहते हो कि आई यूज़ इट और ऐसा हम कर सकते हैं तो डू लेट मी नो. इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत टाइम से मेरे पास हैं ब्यूटी ब्लेंडर, और कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी न्यू हैं एंड कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे पास मैंने फेंक दिए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने फेंकने वाली हूँ. बट ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग आफ्टर क्लीनिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर्स. तो ये ऐसे करके दिखने वाले हैं आपको एंड आई रियली रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा. आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जॉइन दिस ब्यूटीफुल लवली यूट्यूब फैमिली. एंड प्लीज बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे. सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.